नमस्कार दोस्तों, आज बाजार 11479.9 यानी करीब करीब 480 के लेवल पे बंद हुआ है, जो कि मार्च का फ्यूचर है। और ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी फिलहाल बाजार ने दिखाई नहीं। इनफैक्ट जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी वो 11470 पे थी और केवल 9 अंकों के बढ़ाव के साथ आज बाजार बंद हुआ है। हालांकि आज ही हमने जो एक हाई दिखाया है वो करीब 11600 के काफी नजदीक है। 11595.70 का एक जो हाई बनाया है, तो कहीं ना कहीं इंट्राडे में आज हमने करेक्शन देखी। होली के छुट्टी के बाद आज फिर से एक बारी बाजार खुला, बट काफी हद तक एक डल सेशन आज देखने को मिला है। और साथ ही साथ एक प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि करीब 11600 का एक लेवल था, जो कि एक एक्स्ट्रापोलेटेड लेवल था, और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आज हमें दिखाई दी है। अगर लेवल्स की करीब बात करें तो 11380, जो कि पिछले हफ्ते का एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, वहां तक बाजार अगर जाए तो इसे एक करेक्शन ही मानी जाएगी। ओवरऑल बाजार का ट्रेंड काफी हद तक पॉजिटिव है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि करेक्शंस और बेरिश मूव इसमें काफी अंतर होता है। एक अच्छी खासी बढ़ाव के बाद अगर थोड़ा बहुत मार्केट करेक्ट होता है तो ये ओवरऑल बाजार के हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, ऐसा हमारा मानना है। तो बाजार फिलहाल एक पॉजिटिव बायस में है, लेकिन एक छोटी मोटी करेक्शन करंट लेवल से दिखाई देगी, और जैसे मैंने आपको बताया 11330 तक ये करेक्शन आ सकती है। ऊपर की तरफ 11600 और 650 में काफी हद तक एक रेजिस्टेंस जोन है, और जब तक कि हम उसको ना टापे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक हर्डल अभी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हेवी वेट्स की बात करें तो मैं यहाँ पे आपके लिए बैंक निफ्टी का चार्ट अब खोल रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी ने करीब 4 दिन का जो एक लो बना था, जो लेवल बना था करीब 29,500, उसको ब्रीच करके ये कहीं ना कहीं आज बंद हुआ है। और काफी हद तक जिसे कहेंगे एक प्रॉफिट बुकिंग लाजमी लगती है। इनफैक्ट इफ वी लुक एट द बैंक निफ्टी, ये करीब 1% करेक्ट हुआ है, जबकि बाजार की बात करें तो केवल एक 64 पॉइंट की करेक्शन, यानी करीब करीब 0.6% की एक करेक्शन हमें दिखाई देगी। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, जो हेवी वेट्स है जैसे कि HDFC बैंक, ये करीब 1% करेक्ट कर चुका है। रिलायंस करीब 2.5% करेक्ट कर चुका है। मारुति करीब 2% करेक्ट कर चुका है। येस बैंक करीब करीब पॉजिटिव 0.18, 0.17। एक्सिस बैंक इंडिगो में 0.24, आईबुल हाउसिंग में करीब 0.76 की करेक्शन हमने देखी है। तो जो हेवी वेट्स है जैसे कि HDFC बैंक हुआ, रिलायंस हुआ, मारुति हुआ और HDFC हुआ, ICICI बैंक, इसमें आज हमने एक करेक्शन देखी है, जो कि बाजार के ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी हद तक पॉजिटिव मानी जाएगी। थैंक यू।